हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं चर्चित आईआईटी से टॉप 35 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस आईआईटी के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, इस सुविधा के तहत दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करना, जिससे सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। याद रखिएगा, आईआईटी के मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे नामक प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने कोबी रैप टेस्ट किट को विकसित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी खड़गपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोबी रैप टेस्ट किट के नाम से एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को विकसित किया है, जो एक घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। NHAI ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी जोधपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जो डॉक्टर द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। CRPF ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका आईआईटी दिल्ली। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है MOSIC, विकसित किया है? राइट आंसर इसका आईआईटी मद्रास। दोस्तों, इसे स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही साथ ऑफिस मैनेजमेंट में भी। किस आईआईटी के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका आईआईटी बॉम्बे। ये ऐप PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम पेश किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंदौर। याद रखिएगा, इसका शीर्षक है भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना। कहां डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है? राइट आंसर इसका आईआईटी मद्रास। दोस्तों, जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है आईआईटी मद्रास में। किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डीकोप को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी दिल्ली। इसे एक कैबिनेट के आकार में बनाया गया है। किस आईआईटी के परिसर यानी कि कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंदौर, यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी। किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी खड़गपुर। याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर में संगीत, ललित कला
एवं अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों आईआईटी रोपड़, यानी कि ऑप्शन डी। यह सतह एवं दूषित वातावरण को साफ कर सकता है। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी कानपुर। दोस्तों इस सेटअप पर स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्वीर को विकसित किया है? राइट आंसर इसका आईआईटी रुड़की। इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, पीपीई किट आदि को सैनिटाइज करने में प्रयोग किया जाता है। किस ने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका डीआरडीओ। दोस्तों भविष्य में रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है डीआरडीओ ने। किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होता क्या है दोस्तों? तो मैं आपको कई बार एक क्वेश्चन कवर करा चुका हूं कि आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की। ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी कानपुर। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट लाइट हैं लगी हुई हैं, जो 15 मिनट में 10x10 के कमरे को सैनिटाइज कर सकती हैं। किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्योर श्योर को विकसित किया? सही आंसर इसका आईआईटी दिल्ली। दोस्तों इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिल गई है। किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी मद्रास। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है। किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है आईआईटी मुंबई। इस चिप का यूज मोबाइल और रूट गैजेट दोनों में किया जा सकता है। दोस्तों रूट गैजेट ऐसे गैजेट जो हमें रास्ता बताते हैं। किसने FLYZY मोबाइल ऐप विकसित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी गुवाहाटी। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन ए। किसने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी गांधीनगर। ये डैशबोर्ड संकट के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इसे बनाया गया है। किस आईआईटी की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी बॉम्बे। क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने एवं कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से डेवलप किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने सड़क, पार्क, फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है। मई 2020 में किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों आईआईटी रुड़की। याद रखिएगा ये फेस शील्ड का फ्रेम 3D प्रिंटेड है। किसके द्वारा कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया? सही आंसर इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी बॉम्बे।
इसमें डॉक्टर मरीज की धड़कन को दूर से ही माप सकता है। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर दूर से ही आपकी हृदय की धड़कन को माप सकेगा। याद रखिएगा, इसका नाम है स्टेथोस्कोप का आयुष सिंह और इसे IIT बॉम्बे ने विकसित किया। किसके द्वारा आइजैक परियोजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT गांधीनगर। COVID-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था घरों में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ावा देना। किस IIT के शोधकर्ताओं ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन विकसित किया? राइट आंसर इसका IIT मद्रास। ये ड्रोन देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस IIT ने COVID-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT गांधीनगर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, IIT गांधीनगर ने COVID-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है। ये एक चेस्ट एक्सरे इमेज है। इससे COVID-19 का पता चल जाएगा। किस राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।